वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत भी मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग से कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ उत्कर्ष का टिफ़िन और मैं उसके लिए बना रही हूँ उत्तपम, रवा उत्तपम, और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। आज जो है मैं ये इसमें तो मैंने भाजी डाल दी है कट करके, पोई जो हमारे घर में लगी है वो मैंने इसमें कट करके डाली है। साथ में मैं इसमें स्टफ़ करूँगी, बीच में रोल बनाकर रखूँगी आलू की भुजिया का, क्योंकि उसके पापा तो वैसे भी आलू के पराठे ले जाते हैं, तो वही भुजिया मैं इसमें रख दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने ब्लॉग में। और दोस्तों, अब जो है हरितालिका तीज आने वाली है, गणपति बप्पा आने वाले हैं हम लोगों के घर में। और पिछले 2 सालों से हम लोग भी गणपति बप्पा की स्थापना कर रहे हैं। जब से उत्कर्ष को थोड़ी सी समझ हुई है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन्होंने जिद करके जो है गणपति बप्पा को रखवा लिया और विधि विधान से ये पूजा करते हैं। क्योंकि रेगुलर पूजा मैं नहीं कर पाती हूँ तो सारा दारोमदार उत्कर्ष के ऊपर रहता है। अभी तक तो लॉकडाउन था तो उत्कर्ष बड़े एंजॉय करके दोनों टाइम की पूजा भगवान को देते थे। सारा सब कुछ, सारे लोग इकट्ठे होते थे, सब कुछ हम करते थे और मैं एवरीडे नए नए भोग बनाती थी। लेकिन अब उत्कर्ष स्कूल जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि गणपति बप्पा के सुबह के टाइम की पूजा थोड़ा बहुत मैं समय निकाल के कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, अब ये विघ्न भी पप्पा ही हरेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि कई लोग 3 दिन, 5 दिन ऐसे रखते हैं, 7 दिन, और हमारे यहाँ पूरे 10 दिन रखाते हैं। गणेश जी पहले दिन से आ जाते हैं और अनंत चौदस तक वो रहते हैं, मतलब पूरे 10 डेज गणपति बप्पा हमारे यहाँ मेहमान नवाजी करते हैं। पिछले साल भी मैंने किया था ये आयोजन, लेकिन पिछले साल थोड़े से कुछ गेस्ट वगैरह की वजह से थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं जितना खुल के जितना एंजॉय करती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं गणपति बप्पा को अपने घर में बुलाती हूँ तो मेरा उनके साथ एक कनेक्शन बनता है। मैं उनसे अपनी सारी बातें करती हूँ, बिल्कुल जैसे एक फैमिली मेम्बर के साथ हम अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं वैसे मैं करती हूँ। तो लास्ट ईयर थोड़ा सा ये मेरा रह गया था, फीका फीका हो गया था सब, तो मैंने उनको वो भी बता दिया था कि भाई अगले बार मैं फिर कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छा आपका स्वागत करूं और अच्छे से अच्छी आपकी पूजा करूं और पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको दूं। तो इस बार भी मैं यही चाहती हूं कि बस ऐसा कुछ ना हो, सारा ध्यान, सारा पूजन, सारा चिंतन मेरा उन्हीं के लिए रहे, क्योंकि उनके आने से एक बहुत पॉजिटिव वेव आती है, बहुत सारी निगेटिविटी दूर होती है और एक कहीं ना कहीं आशा की, उम्मीद की जो एक किरण होती है ना, वो मन में कहीं ना कहीं विश्वास के साथ जगी रहती है कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा और अगर कुछ गलत होने वाला होगा तो वो बप्पा नहीं होने देंगे। ये पॉजिटिव वेव रहती है, बाकी तो सब भगवान के ही हाथ में होता है, सब वही संभालते हैं। तो इस बार भी मैं सोच रही हूँ कि तैयारी करूँ। और हरितालिका तीज में मैं निर्जला व्रत रखती हूँ, तो 30 तारीख को है वो, 30 को, तो उस दिन के लिए मैं सारे काम पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहती हूँ। आज से ही मैं उस काम में लगने वाली हूँ। मैंने सारा सामान निकाल लिया है डेकोरेशन का, और क्या कहाँ पंडाल बनेगा, जहाँ पे मैं उनका मंडप बनाती थी शंकर पार्वती का, वहाँ पे तो इस बार झूला महाराज विराजे हैं और वे इतने बड़े हैं कि उनको इधर उधर करना ठीक नहीं है, तो इस बार मैं दूसरे स्थान में उनको मंडप बनाऊँगी। और डेकोरेशन का सामान इसलिए पहले निकालना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो गंदा है या धूल मिट्टी है या कुछ भी है तो हम उसे साफ़ कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस मैं एक चीज़ और हमेशा से अपने हाथ से करती हूँ कि बनी बनाई मूर्ति मिट्टी की जो मिलती है शंकर पार्वती की, वो मुझे उतना नहीं जचती है। मैं अपने हाथों से ही मिट्टी की मूर्ति शंकर पार्वती, गणपति बप्पा, नंदी जी, इन सब की बनाती हूँ। पूरा फैमिली जो एक होता है ना शंकर भगवान का, वो पूरा का पूरा मैं मूर्ति बनाती हूँ मिट्टी की, और अगले दिन जब हम उसे विसर्जित करते हैं तो वापस वो गमले में चली जाती हैं। तो ये भी मैंने कंटिन्यू रखा है इस चीज़ को, तो वो काम भी मुझे करना है, समय रहते बना लेना है। तो इतना सारा नॉनस्टॉप काम है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ महाराष्ट्र से लोग जुड़े हैं, बंगाल से जुड़े हैं, खुद मेरे मध्य प्रदेश के बहुत सारे हैं, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे हैं, और सभी जगह समहाउ शंकर पार्वती जी की पूजा तो होती ही होती है। तो सभी लोग इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनके साथ शेयर करूंगी, वो लोग मेरे साथ शेयर करेंगे, और जो लोग व्लॉग नहीं बनाते हैं वो मेरे व्लॉग को एंजॉय कर लीजिएगा। तो ये तो हो गई मेरी बातें दोस्तों, और आगे भी मेरी ही बातें। मैंने ना दोस्तों कल एक इतना टेस्टी यम्मी सा अचार बनाया था,
मैंने हरी मिर्च आई थी तो हरी मिर्च और लहसुन का अचार बनाया था, लेकिन मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि इतना अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मैंने ऐसे ही रैंडमली बना लिया था। ये मौसम वैसे भी नहीं है अचार बनाने का, बारिश हो रही है और अचार को तो थोड़ी धूप धूप चाहिए होती है। तो मैंने ना सरसों का तेल बहुत तेज खौला लिया था और गैस बंद कर दी थी, और जब उसका थोड़ा सा स्टीम निकल गई थी, हल्का गुनगुना रह गया था, तब मैंने मिर्च में चीरे लगा के उसमें डाल दिया था, लहसुन छील के वो भी चीरा लगा के मैंने उसमें डाल दिया था, तो वो ना हल्का हल्का फ्राई जैसा हो रहा था। फिर मैंने उसमें जो है अचार का मसाला ऐड किया था, मसाला मैंने घर में ही बनाया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ क्योंकि वो मैं कई बार जो है बनाती हूँ घर में, तो मेरे पास रिकॉर्डेड है। तो ये मैं ना कल आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैंने वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड की थी, मैं क्या शेयर करती। और ऊपर से जब मैं अचार दिखाने के लिए ऊपर जा रही थी आप लोगों के पास, आप लोगों को लेके, तो पानी गिरने लगा, तो वो सारी चीज़ें रह गई। और आज जब हम लोगों ने वो अचार चखा है, खाया है, तो सबको बहुत पसंद आया, बहुत ही यम्मी बना है। और बस यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वैसे तो मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर जाता है कभी कभी, इसकी वजह से मैं सब्जी वगैरह में मिर्च बिल्कुल नहीं डालती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाता है और इसके चाचू भी उतनी मिर्च पसंद नहीं करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही अलग से मिर्च विर्च लेके थोड़ा बहुत खा लेते हैं, ज़्यादा तो हमें भी अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। और जिन वीडियो में मैं रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, केवल थोड़ी सी क्लिपिंग म्यूजिक के साथ डाल देती हूँ, मतलब मैं वो रेसिपी अलग से शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हर रेसिपी में ना थोड़ा सा डिटेल बताना पड़ता है कि मैं क्या कैसे कितना यूज़ कर रही हूँ, और कभी कभी वीडियो ज़्यादा लंबी होने लग जाती है दोस्तों, तो मैं उसे कट करके स्पीड बढ़ा के डाल देती हूँ ताकि आप लोग ये देख लें कि मैंने क्या बनाया खाया। बाकी अलग से मैं रेसिपी ज़रूर से शेयर करती हूँ। सो एज़ यूजुअल आज भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि अब तो लगातार कुछ ना कुछ बनाना ही है मुझे। थोड़ा सा नेग ही सही, लेकिन मैं करूंगी ज़रूर। पप्पा को घर में बुलाती हूँ तो वैसे तो हम जो खाते हैं वही मैं उनको भोग लगाती हूँ, लेकिन मैं तरह तरह के मोदक हुए, कुछ मिठाई हुई या कुछ अदर पकवान होते हैं ना, वो भी बना बना के उनको खिलाती हूँ, और वही चीज़ें कोशिश करती हूँ जो उत्कर्ष भी खा सके और मैं भी खा सकूँ। यूजुअली बहुत कम और बहुत सिलेक्टेड चीज़ें हम लोग को खानी है, लेकिन इस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा फ्राइड और ये सब भी खा लेते हैं। बहुत पहले से इसकी हम तैयारी करते हैं सादा सादा खाना खा के, ताकि हम लोग इसे एंजॉय कर सके। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें मैं करूँगी, जो जो चीज़ें मैं बनाऊँगी, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुवन खुशबू देता है। प्रदूषण है।